आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार राशन कार्ड की ओर से एक न्यू अपडेट आ चुकी है कि सभी का राशन कार्ड का जो नंबर है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पहले जो आपको राशन कार्ड मिला था और उसमें कुछ इस तरह का इतना बड़ा नंबर मिल रहा था, बहुत बड़ा राशन कार्ड नंबर मिल रहा था, तो यहाँ पे राशन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर चेंज कर दिया गया है। सभी को एक न्यू और शॉर्ट नंबर दिया गया राशन कार्ड का नंबर, और आप उम्मीद है कि जल्द ही न्यू राशन कार्ड भी नया नंबर के साथ आपको मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे अपना पुराना राशन कार्ड नंबर से अपना न्यू राशन कार्ड नंबर किस तरह निकालें। तो अभी ये नहीं बताया गया है कि कब आप लोग को न्यू राशन कार्ड मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही न्यू राशन कार्ड न्यू नंबर के साथ मिल जाएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में epos.bihar.gov.in वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, या आप डायरेक्ट गूगल क्रोम से या गूगल से आएंगे epos.bihar.gov.in सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस वेबसाइट कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपना यहाँ पर आरसी डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे, लेटेस्ट मंथ या ईयर, उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड नंबर देंगे, उसका सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे राशन कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर और आपका राशन कार्ड कितना व्यक्ति का नाम है वो सारा चीज़, यहाँ पे किन का आधार कार्ड जुड़ा है किन का नहीं जुड़ा है वो सब मिल जाएगा, और कितना अनाज मिलता है और लेटेस्ट कौन ले गया था, कब ले गया था, कितने जो ले गया उनका नाम, किस डेट को ले गया था, कितना गेहूँ कितना चावल और टोटल कितना ले गया था, और एक किलो अलग से इन्हें दाल भी मिला है, तो वो यहाँ पे वो भी डिटेल आपको दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से होम पे आते हैं। यहाँ पे तो मैं राशन कार्ड नंबर पुराना नंबर देके ये डिटेल निकाला हूँ, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आपसे। तो चलिए अब न्यू राशन कार्ड नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको आना होगा अलॉटमेंट पे, और यहाँ पर की रजिस्टर वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप की रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ मंथ और ईयर सेलेक्ट रहेगा, और यहाँ पे आपको स्टेटस में ऑनलाइन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आप जितने भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे। तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है ये मधेपुरा है, तो मैं मधेपुरा को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो नीचे में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एमओ है, यानी कि एमओ हर प्रखंड में एक होते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम है, जो भी आपका प्रखंड वो प्रखंड आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप प्रखंड पे क्लिक करेंगे इस प्रखंड में जितने भी डीलर हैं सभी का यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, और डीलर का FPS नंबर, यानी कि एक डीलर को एक संख्या दिया जाता है जिसका नाम होता है FPS नंबर। तो ये कैसे जानेंगे कि आपका डीलर के FPS नंबर क्या है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया लेकिन उनका नंबर दिया गया है, वो जानने के लिए चलिए पहले वो जान लेते हैं आपके डीलर का FPS नंबर क्या है। तो चलिए यहाँ मैंने न्यू टैब में फिर से इसी वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा RC ट्रांसफर, यानी कि राशन कार्ड ट्रांसफर। जैसे अभी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिहार के सभी ज़िले की लिस्ट दिखाई देगा, तो आपका जो ज़िला होगा उस ज़िले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपने ज़िले के नाम पे क्लिक करेंगे, उस ज़िले में जितने भी प्रखंड होंगे वो आपको शो कर देंगे प्रखंड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रखंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए FPS नंबर है, डीलर का नाम है, उन डीलर के पास कितना कार्ड है, कितना मूव हुआ है, कितना आउट हुआ, वो सब यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आपका जो डीलर का नाम है वो आप नाम से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं अपना यहाँ पर सर्च कर ले, जैसा कि देख पा रहे ये मेरे डीलर का नाम है, उनका FPS नंबर जो है, ID जो वो है, ये है, इसको हम यहाँ पे कीबोर्ड से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे देख सी यहाँ पे आ चुका, और यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे, कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे ये आ जाएगा, और यहाँ पे उस नंबर को देंगे, तो ये जो नंबर है यहाँ पे शो करें, या आप वो नंबर को यहाँ चेक करेंगे कौन सा। तो मेरे डीलर का नंबर ये है, ये वाले नंबर है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसका नीचे प्रेस करेंगे, यहाँ पे इस डीलर के पास जितने भी राशन कार्ड है कितने राशन कार्ड वो आपको यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे देखिए लिखा गया है सीरियल नंबर, उसके साथ लिखा गया ऑल राशन कार्ड नंबर, यानी कि पहले का जो राशन कार्ड नंबर वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे न्यू राशन कार्ड आपको नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कस्टमर का पुराना राशन कार्ड का नंबर दिखाई देगा, और यहाँ पे एक शॉर्ट नंबर दिया गया जो कि न्यू राशन कार्ड का नंबर,
उसके बाद यहाँ पे स्कीम दिया है, इनके पास कौन सा राशन कार्ड है, AY है मतलब अंत्योदय वाला, उनके राशन कार्ड में कितने फैमिली, उनको कितना गेहूँ मिलता है, कितना चावल मिलता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट है, अगर इस लिस्ट में आपका राशन कार्ड का पुराना नंबर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे पेज दिए गए, यहाँ से आप पेज 2 पे पेज 3 पे सेलेक्ट करके इस तरह आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम मैं अपना राशन कार्ड को फाइंड कर लेता हूँ। और मैं फिर से इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे RC डिटेल पे क्लिक करेंगे, जैसे RC डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू राशन कार्ड का नंबर देंगे और यहाँ पे सबमिट बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे मैंने न्यू राशन कार्ड का नंबर देते हैं, न्यू राशन कार्ड नंबर शो कर रहा है और डिटेल सेम वही शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब जो न्यू राशन कार्ड नंबर जो मिला है ये मई में मिला है, ठीक है, और न्यू राशन कार्ड नंबर से मई में अभी कोई भी अभी अनाज नहीं लिया गया है, बल्कि पुराना राशन कार्ड नंबर से अनाज लिया गया था, शो कर रहा था, लेकिन न्यू राशन कार्ड नंबर से भी कोई भी अनाज नहीं लिया गया है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन डिटेल की अगर बात करें, दोनों में डिटेल आपको सेम मिलती है, जैसे नाम वगैरह पुराना राशन कार्ड डालेंगे तो वही पुराना नाम आएगा और न्यू राशन कार्ड नंबर डालेंगे तो वही नाम आपको आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप अपना पुराना राशन कार्ड नंबर से न्यू राशन कार्ड नंबर निकाल सकते हैं। और राशन कार्ड किस तरह डाउनलोड करते हैं इसके बारे में आपको वीडियो पहले ही दे चुका हो। आप किसान मॉनिटर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या आप सर्च करेंगे राशन कार्ड डाउनलोड, उसके बाद किसान मॉनिटर लिख देंगे तो मेरा जो वीडियो होगा राशन कार्ड डाउनलोड के बारे में मैंने बताया था, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये भी देखिए मैंने 9 महीना पहले आपको ये वीडियो दिया था, ठीक है। उसी तरह आप न्यू राशन कार्ड भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी ये राशन कार्ड की अपडेट नहीं आया है, कब मिलेगा कैसे मिलेगा, लेकिन एक नंबर न्यू नंबर जारी कर दिया गया है जो कि डिजिटल नंबर होगा। जैसा कि आपको पता है सरकार ने कुछ दिन पहले वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया था, उसी के तहत यहाँ पे न्यू राशन कार्ड नंबर जारी कर दिया गया है। अब डिजिटल राशन कार्ड मिलने का उम्मीद है, तो बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि आपको आपका नया राशन कार्ड मिल जाए। तो उम्मीद करेंगे हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि मैं आपको बता सकूं कि अपना न्यू राशन कार्ड नंबर किस तरह निकाले, क्योंकि अपडेट आ चुका है राशन कार्ड की ओर से कि पुराना राशन कार्ड को धीरे धीरे चेंज कर दिया जाएगा और न्यू राशन कार्ड जो नंबर है वो पब्लिक कर दिया गया, न्यू राशन कार्ड नंबर जारी कर दिया गया और बहुत जल्द ही नया राशन कार्ड भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।